सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ये किया है, ऐसा है, ये आपस में चर्चा होती रहती है, इसलिए उन लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये प्रैक्टिस नहीं है, होनी चाहिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि हम लोग आपस में मिल करके कुछ सार्थक चर्चा करते हैं, अपना एक घंटे का जो कार्यक्रम है तो इसमें कुछ वैल्यूएबल कुछ बातें हो जो सबको, आपको फायदा पहुंचाए, हमको फायदा पहुंचाए, तब मैं ऐसी कोशिश करूंगा। मैं ये दावा नहीं करता कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो कानून तो बड़ा वास्ट है ना, आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मुझे सब आता है, ये दुनिया में कोई दावा नहीं, कोई दावा नहीं। तो ये तो सतत अपना कार्यक्रम है, ये लोगों को वकालत का तो एक ऐसा पेशा है कि आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, हमेशा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, नए नए कानून है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, और जो पुराने कानून है उनको भी बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं कि मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि जो कोई सेक्शन एक लिखा हुआ एक तुम एक्ट पढ़ते हो तो ये मत सोच के चलो कि नहीं हमने एक बार पढ़ दिया है मुझे याद है, उसको फिर से हो सकता है उसमें कोई नई बात निकल आए। और कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ ना कुछ नई बात आ जाती है, ये क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, जो सेक्शन लिखा हुआ है वही तो है सब कुछ ना, उसी की तो व्याख्या होती है, चाहे हम करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, चाहे जो भी करे। इसलिए जो भी सेक्शन में लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है, उसका अध्ययन हम लोगों को बार बार करना चाहिए, इससे फायदा होगा और नुकसान कुछ नहीं होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमको हमने पढ़ा लिखा, जो भी हमने किया, तो उसकी चर्चा भी आपस में करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून के संबंध में हम जब वकील बंधु आपस में मिलते हैं तो कानून के संबंध में हम चर्चा ही ना करें, आपस में चर्चा करते रहना चाहिए, उससे उससे आपको फायदा ही होगा। क्योंकि उससे क्या है कि जब आप अपनी बात कहेंगे तो आपका रिवीजन होगा, और जो दूसरी की बात सुनेंगे तो उससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, तो चर्चा होती रहनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक ये बहुत बड़ी टिप है, ऐसा होता रहना चाहिए। और ये बात मैंने ये देखा, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, मैं तो सीधी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट में मैंने देखा, हाई कोर्ट में जितने सीनियर एडवोकेट्स आपस में कानूनी बिंदुओं पर चर्चा करते रहते हैं, और वो बताते हैं आपस में चर्चा करते हैं कि हाई कोर्ट ने ये इस तरह का ये जजमेंट दिया है, इस तरह का ऐसा एक ये इस तरह से व्याख्या की गई इस सेक्शन की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ये किया है, ऐसा है, ये आपस में चर्चा होती रहती है, इसलिए उन लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये प्रैक्टिस नहीं है, होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपस में हम लोग कानूनी बिंदुओं पर भी चर्चा करें। हमारे सुखेंद्र द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, और मैं वो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं।